लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए भक्तों, आज मैं आपको बताती हूँ, आज 28 सितंबर पूर्णिमा है, कि मैं पूजा विधि कैसे करती हूँ विधि के साथ। तो आप भी ऐसे करना सब लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं नन्हा धो के स्नान करके आ गई हूँ और चूरमा प्रसाद बनाने जा रही हूँ। ये चूरमा प्रसाद मेरा अच्छे से ब्राउन हो गया है, खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं एक चम्मच देसी घी और शक्कर डाल दूंगी, और ये देखो शक्कर डाल दूंगी। शक्कर और देसी घी डालने से चूरमा प्रसाद और भी टेस्टी बन जाता है। प्रसाद मैंने प्लेट में डाल लिया। ये प्रसाद हमारा देखो केले के पीसीस करके डाले हैं। केले के बिना और तुलसी दल के बिना भगवान जी अर्पित नहीं करते, ये अधूरा है। मैंने इसमें तुलसी दल भी लगा दिया, केले भी डाल दिए। बनाने के लिए मैंने इसमें दूध डाला और दही डाल दिया, ठीक है। ये है गंगा जल, ये गंगा जल मैंने इसमें डाला, ये गंगा जल डाल दिया। और इसमें शहद डाल दूँगी, ये है शहद, शहद डाल दिया। और इसमें देसी घी डाल दूँ। कन्नू और गोपाल का पंचामृत से स्नान। ये आसन है जहाँ पे मैं भगवान जी को विराजमान करूँगी, तो मैं उसके लिए पीला कपड़ा बिछा रही हूँ इसके ऊपर। भगवान जी को भी मैंने चरणामृत से जो मैंने बनाया था उससे मैंने स्नान करा दिया और गंगा जल से साफ कर दिया। नहलाने धुलाने के बाद भगवान जी को फूल अर्पित करने हैं। सारे भगवान जी तैयार हो गए और फूल भी मैंने रख दिए। हमें सबको चंदन तिलक, ये तिलक है जो मैं वृंदावन धाम से लाई हूँ, सबको लगाएंगे। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की जय। तो आप भी अपने घर में सब ऐसे ही, आज पूर्णिमा के दिन सब ऐसे ही पूजा करें। मेरे गौर निताई। इसके बाद जो आपने प्रसाद बनाया है भगवान जी के लिए, चूरमा प्रसाद और चरणामृत रखिए। ये चूरमा प्रसाद हो गया और ये चरणामृत, और ये चने और गुड़। आज वीरवार है तो आज मैं बृहस्पति देवता की कथा भी करूँगी, क्योंकि मैं वीरवार की कथा करती हूँ। तो आप भी ऐसा ही करिए, हो सके तो आप सत्यनारायण की पूजा के बाद वीरवार की कथा भी करिए, और ये सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा। तो आज मैं दोनों कथाएं करूँगी, तो आप भी प्लीज़ ऐसा ही करिए। कथा करने के बाद आप लोग भगवान को चूरमा प्रसाद का भोग लगाएं और बृहस्पति देवता को चने और गुड़ का और चरणामृत भी भोग लगाएँ। तो ऐसा करने से भगवान जी भक्तों को जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली देते हैं, और बृहस्पति देवता भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। पीला चंदन आप खुद भी लगाइए, भगवान जी को भी लगाइए। अगर आप किसी को पीला चंदन चाहिए या तुलसी माला चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं फ्री में, क्योंकि मैं ये सब पीला चंदन, गोपी चंदन, माला सब वृंदावन धाम से लेके आती हूँ। आज पूर्णिमा के दिन आपको मेरी पूजा विधि कैसे लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना।